तुराब ऊपर तारे हैं, ख्याल करना मेन तारे हैं, ये लोहे की चीज है, अगर उसको टच हुआ तो भाई आगे तुम समझदार हो क्या होने वाला है। कैसा लगा? क्या हो गया, क्या हो गया, इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरे ख्याल में दोस्तों यहाँ पर हमारी मुर्गी ने अंडा दिया हुआ होगा। आ जाओ, घबराओ नहीं, आ जाओ, कुछ नहीं होता, आ जाओ। यहाँ पर देखें दोस्तों, अंडे ही अंडे होंगे, ये देखें, दो अंडे हैं यहाँ पे, तो चलें यहाँ पर रखे रहे, थोड़ी देर के बाद उठा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? तो यार अभी मैं आया हूँ अपने मास्टर केज के पास, और अब हम जाते हैं अंदर और अब देखते हैं कि हमारे कबूतरों के बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है यार, 2-3 दिन हो गए हैं मौसम इस तरह से है और बिल्कुल सुकून सा है, हमारे परिंदे भी सुकून में, हम खुद भी सुकून में हैं। अब चलते हैं अंदर और देख लेते हैं कि बच्चे कितने बड़े हुए हैं। यार वो तेरी खैर, माशाल्लाह यार, ये देखें ब्लैक एंड व्हाइट लकी कबूतर, इसको मैं बाहर लेके आता हूँ। देखें दोस्तों दूसरा भी मैं उठा लेता हूँ, एक मिनट, मैं इसको भी नीचे रखता हूँ, इसके दोस्त को भी मैं उठाता हूँ, भाई को बहन को पता नहीं क्या चीज होगी। आ जाओ। यार ये भी सेम टू सेम अपने भाई के जैसा, अब पता नहीं ये भाई है बहन है, ये बड़े होंगे फिर पता चलेगा। तुम दोनों इधर बैठो और अब देखता हूँ मैं तुम्हें सुकून से रोशनी में। ये देखें यार, ये दोनों सेम टू सेम है, ये वाइट थोड़ा सा ज्यादा है, वो वाइट कम है, देखें पूंछ से है थोड़ा सा, तो दोनों बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं दोस्तों। और इनको हम वापस रख देते हैं इनके माँ बाप के पास, जाओ अपने घर जाओ, शाबाश। हाँ भाई, तुम सबने बच्चे सच्चे निकाले या नहीं निकाले? यार पिछली दफा हमने देखा था कोई भी बच्चा नहीं था इनके घड़ों में, अब देख लेते हैं, काफी दिन गुजर गए हैं, चेक नहीं किया, अब चेक कर लेता हूँ मैं। यार मुझे लगता है कि इनके अब बच्चे हो गए क्योंकि काफी टाइम गुजर गया है, ये ज्यादा ब्रेक नहीं लेते, बहुत फास्ट बच्चे देते हैं ये, तो आज मैं चेक करता हूँ। हाँ भाई कोई बच्चा है? ये तो बड़े बैठे हुए हैं, बाहर निकलो जरा, जा जा। नहीं यहाँ मट्टी है सारी, यहाँ पर बच्चे नहीं है दोस्तों, देख रहे हैं, ये देखें ये ना, ये देखें घोंसला वगैरह कुछ भी नहीं बनाया हुआ इन्होंने ना। बाकी घड़े चेक कर लेता हूँ मैं, इसमें कोई बच्चा है? उई ये तो सारे बड़े हैं मेरे ख्याल में, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ, शाबाश 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 शाबाश। नहीं इधर भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बाकी दो रहते हैं, इनको चेक कर लेता हूँ मैं। इधर है कुछ? नहीं इधर भी नहीं है भाई, इधर भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है, कुछ भी नहीं। यार मेरे ख्याल में सर्दियाँ हैं ना, इस वजह से इनका ब्रीडिंग सीजन नहीं है, शायद अब मौसम चेंज हो रहा हो, अब फिर ये जाके बच्चे दें, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं मजीद। तो अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ भाई अपने खेतों में, ये है हमारे छोटे से खेत, काफ़ी महीने हो गए भाई हमने ना यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह उगाई थी, जिसमें हमें कामयाबी बिल्कुल नहीं मिली। अब मुझे लगता है कि थोड़ी सी कामयाबी हमें मिल गई है कुछ महीनों के बाद, वो क्या है वो देख रहे हैं यार, मूली, ये मूली अब मुझे लगता है बड़ी हो गई है, काफ़ी महीने हो गए यार, अब तक ग्रोथ हो जानी चाहिए थी, मैं चेक भी नहीं करता था, अब देख लेते हैं कि क्या ग्रोथ आई हुई है, यहाँ पर मूलियाँ हुई हैं या नहीं हुई। यार ये क्या है यार, हुई हुई, ये हुई पड़ी है दोस्तों, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये बड़ी मूली लग रही है मुझे, वाह यार ये तो गुड साइन हुआ, मतलब सारी इतना ही होगी होगी तकरीबन, या नहीं हुई होगी कोई पता नहीं है। आ जाओ, टूट ना जाना रास्ते में, काफी महीनों के बाद हमें मिल रही हो तुम। हाँ जी ये देखें दोस्तों, हमें कामयाबी मिल गई, एक मूली हमने तोड़ ली है, काफी महीनों के बाद हमें ये फल मिला है भाई, अब बाकी वाले भी चेक कर लेते हो, क्या पता यार आज घर वाले भी खुश हो जाएं, एक मूली से तो गुजारा नहीं होना। हाँ भाई कोई है और मूली? हाँ ये है, ये है, ये है दोस्तों, ये देखें ये है, माशाल्लाह यार ये तो अच्छी हुई पड़ी है। आ जाओ, ये देखें ये भी हो गई है माशाल्लाह, सिर्फ ये दो ही हैं, चलो ये दो ही उठा के जाते हैं। ये ले भैया मूली खाएं। हैं? मूली छत पे थी, तो लाता है बंदा कम से कम, दिखाने थी सिर्फ। चार महीनों के बाद ये हमें फल मिला है, दो मूलियां बाकी सारी छोटी छोटी सी थी। तुम्हें मूली अगर ज्यादा पसंद है ना तो मैं मंडी से लेकर आऊं, फिर खाते रहना जितना दिल करे। ये भाई खालिस मूली है बिना खाद के। हाँ ये तो है, हाँ ये खा सकते हैं आप ये ले जाएं, मैंने इसलिए आपको दिया, मैं ये दिखाना चाह रहा था। ये देखें दोस्तों हमारा पिलर बनना स्टार्ट हो गया है, लेंटर डल रहा है, अब मैं ऊपर से जाके आपको दिखा देता हूँ, आ सकता हूँ ऊपर? आ जाओ, चलो यार अपनी जिम्मेवारी पे, अपनी जिम्मेवारी पे, वाह
ये देखें यार, यहाँ से सारी सेटिंग हो रही है। इसके अंदर ना भर्ती होगी, मसाला डाला जाएगा जैसे कि बजरी, सीमेंट, रेत, ये फिर पिलर बनेगा सारा और फिर बहुत प्यारी लुक हो जाएगी। आज ये बन जाएगा या कल बनेगा? नहीं नहीं आज बन जाएगा, आज बन जाएगा पक्का। चलें यार आज बन जाएगा, फिर हम शाम को देखेंगे। अभी तो यार फ्रेम बन रही है ना, मैं नीचे जाता हूँ एहतियात से। तो आप ऊपर तारे हैं, ख्याल करना मेन तारे हैं, ये लोहे की चीज है, अगर उसको टच हुआ तो भाई आगे तुम समझदार हो क्या होने वाला है, इसलिए एहतियात से। हाँ वो जो ऊपर वाली तारे ना वो मेन है, ये वाली इनका कोई इशू नहीं है, वो वाली तारे वहां तक ना पहुंच जाए बस। तो यार ये वाला काम तो हो गया, अभी हम जा रहे हैं भाई ये ईंटों का सामान जो है ना, सारा जो कचरा बना पड़ा है ना, हम बने पूरे मिनी जू को सब भाई मिलकर हम साफ करने लगे। सारे ईंटे ना एक साइड पर हम करने लगे, यानी कि उस साइड पर, ताकि जो है ना साफ ऐसे ग्राउंड सा बन जाए, फिर हम घास लगवाना शुरू करें। ये काम करना यार बहुत जरूरी है, फिर जाके हम घास लगा पाएंगे ना, ग्राउंड साफ हो गया तो घास लगाएंगे, ट्रैक बनाएंगे, तो ईंटों का ठिकाना करना पहले। चलो भाई जो जो काम ना आता हो ना नहीं करते, जाओ भागो यहाँ से, हटो, ये पकड़ो, मैं करके दिख, अब मैं करके दिखा दूं कैसे काम होता है। अपनी बारी पे हैं, भाई को बुला लिया, हेल्प कराओ हैं, बड़ा तेज हो यार तुम, चलो जाओ अब। चलो सही कह रहा था ना, देखें यार इसकी भी गिरते, चलो चलो ले आओ। यहाँ 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 पे नहीं थी यार, इधर आगे करना था थोड़ा। यार इस तरह से हम काम करेंगे, थोड़ा हम भी करेंगे, भाई भी हैं, हमारा काम इतना नहीं है, बहुत ही मेहनत वाला काम है यार, मिलजुल के करेंगे फिर होगा, एक बंदे का काम नहीं है ना, मेरा नसीब तैन का, सब बारी बारी पे करेंगे। देखेंगे सारी कवर हो जाएगी, ये वाली ईंटें, सारा कचरा वचरा इस कोने में हम जमा कर रहे हैं, ईंटें तो बाद में काम आ जाएंगी ना, इनको जाया तो नहीं कर सकते, फिलहाल हम इस ग्राउंड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाए। सिप्तैन ने आपको बताया ही है, आज मैं जिम नहीं करूंगा, आज मैं सारी मेहनत यहाँ पे करूंगा। अच्छा है ना फैसला? बहुत अच्छा फैसला है। क्या झूले यार, ईंटें रखनी है, सिप्तैन को नहीं रखना यार। मजा आ रहा है, किधर है तेरा? यार काश मैं बचपन में ये चीज कर पाता, ख्वाहिश होती थी मेरी। कितना आगे भाई इस तरह टाल चलाते हैं भाई, यार भाई में ताकत है। तो यार तो आप बहुत ज्यादा रो रहा था, कहता मुझे भी सैर कराओ, तो इसको भी सैर कराता हूँ। एक मिनट, क्या खाता है यार तुम? कुछ भी नहीं आता भाई। हद नहीं होगी, मुझे भी गिराया था ना इसने, मैंने भी गिरा दिया इसको। तुम्हें चोट लगी थी, मैंने गिराया था तुम्हें, फिर भाई ने गिराया। कैसा लगा? तो यार अभी आपके सामने हमारी चिक्की और हमारा डायमंड क्या है काटा। यार तुराब समझाओ इसको, कुछ नहीं करेगा ये, इतना नहीं काट, इतना गंदा काटा है ना इसने। वे गिरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अब टेम हो जाओ हमारे। ओए ओए हाथ पे नहीं काटता इतना। अच्छा तो यार मैं कह रहा था हमारा डायमंड और हमारी चिक्की ना इधर रहेंगे। आज मैंने सोचा है हम ना चुटकी को और चुटकू को भी, ये वाले चुटकी और वो वाला चुटकू, इनको भी इनके साथ बंद करके देखते हैं, और देखते हैं ये चारों डॉग्स एक साथ रह पाते हैं, लड़ते हैं, क्या करते हैं। तो मुझे तो लगता है इनकी दोस्ती चारों की होनी चाहिए, ये करना बहुत जरूरी है, सबको एक साथ बंद हमें करना ही पड़ेगा। क्यों तो आप कैसा? ठीक है, देखते हैं आज किस तरह से रिएक्ट करती है चुटकी और चुटकू। चलो बंद करो, इन दोनों को बंद करते हैं, ये इन दोनों की दोस्ती तो हुई पड़ी है पहले से ही, तो देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। हाँ खोल लिया चुटकी को, वो चुटकी को यार हमने खोल लिया, वो ये काट रही है तो तुम्हें पता है, वो ये खेल रही है, छोटी यार इतनी सी छोटी सी थी, ये अंदर जाना चाह रही है, क्या किया गंदा कर दिया हाय। तो आपको चुटकी ने गंदा कर दिया भाई। ओए चुटकी इतना तेज क्यों भाग रही हो? चलो मैं चुटकू को खोल लूं। तो यार इन दोनों को हमने खोल लिया है, थोड़ी देर इनको खेल लेने देते हैं बाहर, फिर उसके बाद में दोनों को हम बंद करेंगे इनके पास। पहले चुटकी को अंदर खोल के देखते हैं।
आओ भाई छुटकी अंदर जाओ और देखते हैं क्या करती है इनके साथ। वो कुछ नहीं कर रही, चुटकू भी आ गया, इसको भी खोल दो, तो चुटकू को भी अंदर डाल लेते हैं क्योंकि चुटकी कुछ नहीं कह रही। अभी देखते हैं क्या करते हैं। चुटकू भी चला गया भाई अंदर, मैं अंदर जाके देखूं थोड़ा। अंदर जाओ, अभी जाता हूँ एक मिनट, पहले यहाँ से देख लूँ एक दफा मैं। ये देखिए यार हमारे चारे डॉग्स कितने अच्छे लग रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, लड़ नहीं रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इनकी दोस्ती और बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है अगर इन्होंने एक साथ रहना है तो। एंड जी हटो 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 हटो। हाँ तो यार मैं ऊपर से देखता रहूंगा इनको बैठ कर। तो यार यहाँ पर हमारे चिटकी चुटकू चिटकी डायमंड सैमंड सारे भाई आ चुके हैं एक साथ, सारे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यार ये डायमंड है जो सबसे आखिर में आया था, कोई भी इसको नहीं मार रहा, हमारे डॉग बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, कुछ भी नहीं कहते। हालांकि नया डॉग कोई आता है ना कहीं पे तो पुराने वाले डॉग हमला करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, उनको भगाते हैं, लेकिन हमारी चुटकी कुछ भी नहीं कह रही, सबके साथ दोस्ती लगा ली है इसने, कितनी अच्छी बात है। तो यार यहाँ पर तुराब भी आ गया, सब डॉग के साथ खेल रहा है, हमारे डॉग तुराब के साथ भी फ्रेंडली हैं, यानी कि सिर्फ आपस में फ्रेंडली नहीं हमारे साथ भी फ्रेंडली हैं, कुछ भी नहीं कह रहे, काट बिल्कुल भी नहीं रहा। ओए मैंने तारीफ क्या की, फिर गुस्सा करने लग गया। नो 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 नो, आराम से खेलो, शाबाश भाई, कहाँ घुस रही हो, यहाँ से आ गई, चलो जी खेलो खेलो, जाओ जाओ भागो 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 भागो। खैर आप सब ने बताना है आपको सबसे ज्यादा कौन सा डॉग अच्छा लगता है, हमारे सारे डॉग्स आप देख लें, सबके नाम भी आपको पता है, तो आपने बताना है कि आपको सबसे ज्यादा क्यूट कौन सा डॉग लगता है। सबसे क्यूट ये लगती है चिक्की, चिक्की मुझे छुटकी अच्छी लगती है सबसे, हाँ मुझे चिक्की और दूसरे नंबर पे चुटकी। अच्छा अच्छा, तो आज से दोस्तों हमने सोचा है कि हम अपने डॉग्स को एक साथ बंद किया करेंगे, अब ये आपस में रहेंगे तो अब हम इनको छोड़ के जाते हैं बाहर, तन तुम भी आ जाओ, ये खेलते रहेंगे आपस में, थोड़ा सा लड़ेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, आ जाओ। ओके ओके भाई यहाँ पर रहो तुम सब। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल चैन में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। लेकिन कल अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अरे तो वाकई में कुछ भी नहीं कह रहे आपस में, लड़ाई नहीं कर रहे बिल्कुल भी, है ना यार ध्यान करो।